यूपी के रायबरेली जिले में गुरुवार को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सॉक टीम और जिले की पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एसओजी और सदर कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात वाहन चोर गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों के पास से 3.5 करोड़ रुपए कीमत की 31 लग्जरी कारें बरामद हुई है। यह गैंग दिल्ली, नोएडा व हरियाणा प्रांत तक सक्रिय था। बदमाश काफी समय से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि बुधवार की रात पुलिस टीम ने शहर के गोरा बाजार स्थित आईटीआई मैदान के पास पावर हाउस के पीछे से चुराई गई 31 चार पहिया वाहनों को बरामद करते हुए 6 बदमाशों को दबोच लिया है। पुलिस लाइंस में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि यह गैंग लखनऊ, दिल्ली, नोएडा व हरियाणा से कारें चुराता था। पकड़े गए बदमाशों की पहचान बस्ती जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के मौर्या पोस्ट पोखरा निवासी संतोष कुमार, लखनऊ जिले के गुड़नबा थाना क्षेत्र के एसएससी 45 सेक्टर जी जानकीपुरम निवासी प्रिंस मिश्रा, हरदोई जिले के बेहटाकला थाना क्षेत्र के धर्मापुर निवासी राजीव कुमार सिंह उर्फ ओम सिंह, संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद थाना क्षेत्र के भदाह चौराहा गांव निवासी अब्बास, बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा गांव निवासी नूरुल अंसार, गोरखपुर जिले के सिकरीगंज थाना क्षेत्र के जद्दूपट्टी गांव निवासी कमालू के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि लखीमपुर खीरी जिले के ईशा नगर थाना क्षेत्र के एरा कमरिया गांव निवासी सलीम रिजवान सलीम, हरदोई जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के बावन चुंगी निवासी सत्यम वाजपेयी श्याम किशोर वाजपेयी, लखनऊ जिले के जानकीपुरम थाना क्षेत्र के प्लाट नंबर 18 निकट बाबा कुटी मंदिर मौर्या निवासी अंकित श्रीवास्तव, कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के 132 इंद्रपुरी मानस नगर निवासी रजत शर्मा फरार है। इन बदमाशों की तलाश की जा रही है। पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ में पता चला कि वह दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, हरियाणा से चौपहिया वाहन चुराते थे। 15 अप्रैल को इसी गैंग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामबाबू की स्विफ्ट कार चुराई थी, जिसकी एफआईआर दिल्ली के अशोक विहार थाने में दर्ज हुआ था। 2021 में इसी गैंग ने दिल्ली के बड़े व्यापारी कैलाश की चार पहिया गाड़ी चुराई थी। आरोपियों की निशानदेही पर चौपहिया वाहनों के अलावा कई गाड़ियों के नंबर प्लेट, स्मार्ट कार्ड, 5 मोबाइल फोन, आरसी कार्ड, चेसिस प्लेट, 1 ईसीएम, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि बरामद गाड़ियों पर लगी नंबर प्लेटें फर्जी हैं। इन गाड़ियों के सही नंबर और इन गाड़ियों का मालिक कौन है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। बरामद वाहनों की कीमत 3.5 करोड़ रुपए है। चौपहिया वाहनों को चुराने वाले इस गैंग का नेटवर्क कई प्रांतों में फैला है। गैंग में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। आइए देखते हैं इसके इंडिया न्यूज के लिए रायबरेली से रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। देखिए, आज एसओजी की टीम ने कोतवाली पुलिस की मदद से गोरा बाजार के पास से चोरी की करीब 31 गाड़ियां, जिसमें नए ब्रांड की क्रेटा, होंडा सिटी, बलेनो और अन्य कई गाड़ियां भी शामिल हैं, ये गाड़ियां बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। और इस बरामदगी के साथ इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन 6 लोगों ने पूछताछ में बहुत से ऐसे तथ्य जानकारी में लाए हैं जो बहुत कारगर है। ये गैंग गाड़ी चोरों का बहुत एक बड़ा गैंग है और ये जो गाड़ियां चोरी की गई हैं उनमें से काफ़ी गाड़ियां जो कनेक्ट हुई हैं वो NCR रीजन से कनेक्ट हुई हैं। दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के आसपास के इलाकों से चोरी की गई हैं। लखनऊ से भी कुछ गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। और इनका जो कंजम्पशन है, इनका जो जो इन लोगों ने जो दिया है, इन गाड़ियों को बेचा है, वो लखनऊ और उसके आसपास के जनपदों में कई लोगों को इन्होंने बेचा है। ये गाड़ियाँ रिकवर होने के बाद जब इन मुजरिमों से पूछताछ की गई है तो उन्होंने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि उनके पास गाड़ी चोरी का बहुत ही एडवांस सिस्टम है। लैपटॉप के थ्रू या एक इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है गाड़ी के अंदर, आजकल ये सारी स्मार्ट गाड़ियाँ हैं, जब ये किसी गाड़ी को टोटल लॉस में ख़रीदते हैं उस गाड़ी का जो सैशी नंबर होता है वो काट के निकालते हैं और उसी गाड़ी का ECM भी निकाल लेते हैं। और ECM किसी भी गाड़ी का आप समझिए दिल होता है और उस ECM की मदद से वो किसी भी नई गाड़ी को उसी ब्रांड की गाड़ी के, अगर क्रेटा का ECM उनके पास है तो दूसरी क्रेटा को बड़े आराम से ये खोल भी सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं और उसकी सहायता से उस गाड़ी को चोरी करके और तुरंत उसका नंबर प्लेट बदलते हैं ये लोग और उसको अपने इनके जो कुछ गराज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया और जिनके विरुद्ध कार्रवाई प्रचलित है वहाँ ला करके वो सैशी नंबर बदला जाता है, गाड़ी को थोड़ा डेंट पेंट करा करके उसको ब्रांड न्यू गाड़ी बना करके जो सेकेंड हैंड कार बाजार से वहाँ खड़ी करके इनको बेचा जाता है। इन गाड़ियों के पेपर भी बनाए जाते हैं ताकि ख़रीदने वाले को शक ना हो और पेपर जो रजिस्ट्रेशन पेपर जो नकली व्यक्ति बनाता है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, उसका प्रिंटर भी हमारे पास है और उसके पास से इस तरह के कई फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो स्मार्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड होते हैं, उसके पास से बरामद हुए हैं। इनके कॉन्टैक्ट RTO ऑफिस में भी हैं, उस बिंदु पर भी जांच पड़ताल की जा रही है।
जो वांछित व्यक्ति हैं इसमें कई लोग जो गैंग का सरगना और उसके साथ अन्य कई लोग जो हैं उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और अन्य गाड़ियां भी इस पूरे सिलसिले में और रिकवर होने की संभावना है जिसको हम रिकवर करने का प्रयास कर रहे हैं।